आपकी घास पूरी होगी। हाँ एक बार को आपको थोड़ा सा और कुछ क्लास कर देते हैं। ध्यान से देखना आज आज और बस स्टूडेंट क्लास हो गया। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ आप सभी को कल कंप्यूटर क्लास में बहुत अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ भी सीखा होगा। आपको पहली क्लास कैसी लगी? अच्छी। क्या आप सभी को कल जो पढ़ाया गया था वो याद है या नहीं? यस सर, याद है। अब हम सब मिलकर कल कोर्स में कुछ बातचीत कर लें क्योंकि इससे आप सभी को याद भी रहेगा। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं? बताओ कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? सुमित बताओ। रेलवे स्टेशन में। और बता कहाँ कहाँ होता है गेम खेलने में? गेम खेलने में, रेडियो सुनने में, म्यूजिक सुनने में, म्यूजिक सुनने में। आप बताओ कहाँ कहाँ होता है? सर रेलवे स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन। हाँ मैं देख लूँगा। सर रेलवे स्टेशन में, बस स्टेशन पे, और सर गेम्स खेलने के लिए लाइब्रेरी में होता है, बैंक में होता है, और उसमें होता है वो रेलवे की टिकट बुकिंग करने के लिए होता है। शाबाश। तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हमें उपयोग आप हर जगह पर कर सकते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में, बैंक में, रेलवे स्टेशन पर, ऑफिस में, मेट्रो स्टेशन, स्कूल में। कंप्यूटर से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं? जैसे कि गाना सुनना, गेम खेलना, ऑफिस का कार्य करना, और भी बहुत सारे कार्य आप कंप्यूटर से कर सकते हैं। कंप्यूटर के चार प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक और पॉकेट या स्मार्टफोन। माउस या टचपैड में क्या डिफरेंस होता है? माउस का उपयोग डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ में किया जाता है और टचपैड का उपयोग लैपटॉप या नोटबुक के साथ में किया जाता है। माउस और टचपैड की मदद से आप अपने कंप्यूटर को चला